हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गर्ग और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ जो पोकेमोन गो से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल कर आप अपने परफॉर्मेंस जो है पोकेमोन गो के अंदर वो और अच्छी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और शायद ये आपको अच्छे लगे और आप इस बात पर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक तो कर दोगे और कमेंट करके बता दोगे कि अगली बार आपको वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम है कि आप अपने लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइस चाहे वो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ क्यों ना हो, आप उसमें कैसे स्पूफिंग कर पाएंगे, तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और स्पूफिंग करने का मेथड सीख सकते हैं अपने लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइस में। तो चलिए, ये तो हो गई स्पूफिंग की बात है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आप जो है वो जो ट्रिक्स है उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अब जो सबसे पहली ट्रिक आती है वो होती है स्किप कैचिंग। हाँ दोस्तों, स्किप कैचिंग जो शायद ही आपको पता होगा, अगर आपको नहीं भी मालूम तो अब मैं आज आपको बताऊंगा। जो हाँ आपको पता होगा कि अगर हम पोकेमोन को पकड़ने जाते हैं तो कम से कम उसमें बहुत सारा समय तो ज़्यादा ही है। जैसे कि अब मैं आपको एक पोकेमोन पकड़ के दिखाता हूँ, जैसे कि स्कॉर्पियो अब मेरे सामने आया है। अब मैं इसको कम से कम आपके सामने इसको एक बार पकड़ के दिखा देता हूँ। ये एक बार आपके सामने पकड़ के दिखा दूँ, आप देख सकते हैं अब ये कितना समय लेगा, आप देखना एक बार। पहले ये घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, आप देख सकते हैं ये इसने कितना समय लिया गुच्छा होने में। फिर ये ऐसा लिखा आएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर जाके हम टिक करेंगे और फिर जाके हम वापस इस पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब से आप वो यहाँ आने पर कम से कम 10 सेकंड तो चले ही गए, इतने में तो हम दो तीन और पोकेमोन पकड़ लेते। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये स्किप कैचिंग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी पोकेमोन पे जाना है पकड़ने के लिए और आपको अब क्या करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो पॉकीबॉल दिख रही है, सिलेक्शन वाली पॉकीबॉल, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको स्लाइटली होल्ड करनी होगी और इसको यहाँ पे जो स्लाइटली जो यहाँ रस बैरी जो दे रखी है जो आपको उसकी तरफ ले जाना है। जैसे ही आप उसकी तरफ ले जाओगे, आपको अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए जो पॉकीबॉल है उसको होल्ड डाउन करना है और पॉकीमोन की तरफ उसको फेंक देना है। जैसे ही आप उसको कर लोगे और वो कर दोगे, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा रन का ऑप्शन, आपको सिंपली रन कर देना है और आप एक बार देख लीजिएगा। फिर अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो पोकेमोन पकड़ गया होगा। अगर आपको शक होगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे आ जाना है और फिर जनरल पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर दिखला दूँ क्या लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो वॉज कैच्ड। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आप अपना पोकेमोन को भी पकड़ सकते हो। तो मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये टर्ट भी गया, ये मेरे सामने अपेयर हुआ है, मैं अब इसको पकड़ के दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको रजबेरी खिला देता हूँ और फिर आपको क्या करना होगा, दोबारा यहाँ पे अपना जो हैंड है उससे इसको इस बैरीज के ऊपर ले जाना है, मतलब उसकी तरफ स्लाइड करके, और जो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए पॉकीबॉल है वो पॉकीमॉन की तरफ फेंक देनी है। तो मैं एक बार पकड़ के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये करा और मैंने ऊपर जो रन का ऑप्शन है उसको दबा दिया और मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि ये पकड़ में आया कि नहीं आया। अगर आपको शक होए तो ये दूसरा तरीका भी है कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर दबाइए है पोकेमोन को, पोकेमोन के ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा कैच नहीं हुआ था, इसका मतलब ये है। मैं एक बार इसको दोबारा खिला देता हूँ, अब की बार अल्ट्रा बॉल इस्तेमाल करता हूँ और इसको दोबारा यहाँ पर ले जाता हूँ और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए पोकेबॉल इसकी तरफ फेंक देता हूँ और यहाँ से रन अवे कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं वो यहाँ से डिसअपेयर हो गया, मतलब वो हमारा कैच हो गया है। तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप जो पोकेमोन्स हैं उनको बड़े आराम से पकड़ सकते हैं और उनका स्किप कैचिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी पहली ट्रिक। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टारडस्ट पा सकते हैं अपने पोकेमोन को में। तो अनलिमिटेड स्टारडस्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक जिम बैटल फाइट करनी पड़ेगी, एक या कितनी भी चाहे आप चाहे। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और एक आपके सामने जिम ला लेता हूँ। आप देख सकते हैं अभी ये जिम है, इसमें जो वो है जो पोकेमोन वो मेरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शिवम गर्ग 9350 और ये मैं हूँ। आपको दिखाता हूँ एक बार नीचे, आप देख सकते हैं ये मेरा ही पोकेमोन है, आप देख सकते हैं। तो आप इसमें स्टारडस्ट कैसे पा सकते हैं अनलिमिटेड, तो आपको सबसे पहले एक ऐसी जो है प्लेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत कम लोग आते हो लड़ने के लिए और लेकिन जिम ज़्यादा हो लेकिन लोग आते हैं लड़ने के लिए कम। तो मैं इस जो है इस प्लेस का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये प्लेस ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सारे पोकेमोन्स, वो जो पोकेकॉइंस होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे पोकेमोन्स आपको पोकेकॉइंस। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने पोकेकॉइंस, आप देख सकते हैं मेरे 848 पोकेकॉइंस हो गया और जो सारे जो
ये इतने जो पैसे हुए हैं वो मेरे यहीं से हुए हैं, इस जगह पे मैं रोज़ आता हूँ और डेली वो करता हूँ फाइटिंग जिम में। और मतलब एक दिन में तो मैं अपने जो है इस यहाँ पे 7 जिम है, मैं 7ों में अपने पॉकी वो अपने क्या छोड़ देता हूँ ये पॉकीमॉन्स, और उनसे मेरे को जो पैसे मिलते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप अनलिमिटेड स्टार्डस्ट कैसे पा सकते हो, कि आपको क्या करना होगा, आपको जिम बैटल में जाना होगा और जो पॉकीमॉन आपके पास है आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रज बैरी का ऑप्शन आ गया है, मतलब ये पॉइंट कौन सी बैरी है, रज बैरी का ही। आपको इसके ऊपर क्लिक ना करते हो आपको कौन सी करनी है, ननेब बैरी, आपको इस पे जाना है और जो है ये पॉकीमॉन को फीड करवा देनी है। तो मैं करवा देता हूँ, आप देख सकते हो ऊपर +20 आ गया, एक और करवाई +40 हो गए, एक और करवाई +60। आप जैसे जैसे वो इसको खिलाओगे वो 20 प्लस होते रहेंगे स्टारडस्ट। देखिए मैं इसको खिलाता जा रहा हूँ, +100 पे हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, 160, 180 और ये आखिरी थी 200। आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 खिलाई और मेरे को 200 स्टारडस्ट ऐसे ही मिल गए। सिर्फ इनको ये क्या कहते हैं, इनको ये खिलाने से मेरे को स्टारडस्ट इतने सारे मिल गए। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान था। अभी मैंने यहाँ भी जो ग्राउडन वाली जो रेट चल रही है, यहाँ भी मेरे पॉकीमॉन्स थे लेकिन यहाँ पे अपडेट चालू हो गई है इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं दूसरी जगह जाता हूँ जहाँ पे रेड स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पे जो येलो एग है वहाँ जाता हूँ, आपको वहाँ जाकर दिखला देता हूँ एक और बार। अभी इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ ऑटोमेटिक वॉकिंग, इसको ओपन करता हूँ जिम को और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैजिक आप भी मेरी ही है। अब मैं इसको दोबारा ये खिलाता हूँ ननैप बैरी, आप देख सकते हैं खिलाऊंगा तो ये 20 हो जाएगी, मतलब ये 20-20 प्लस होती रहेगी आप जितनी खिलाओगे। और ये लिमिटेड है, मतलब 10 आप एक जिम के अंदर सिर्फ 10 खिला सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खिला सकते। तो मैं आप खिलाता जाता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरी हो गई और 200 मेरे को ऐसे ही मिल गए। ऐसा ही आप इस्तेमाल करते करते अनलिमिटेड स्टारडस्ट पा सकते हो। तो ये तो हो गई अनलिमिटेड स्टारडस्ट की बातें, तो अब मैं आपको तीसरी ट्रिक की ओर ले चलता हूँ, एक मिनट ज़रा। तो दोस्तों तीसरी ट्रिक है, अभी मतलब तीसरी कोई ट्रिक नहीं है इसमें, मैं आपको अपने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कई सारे फ्रेंड हैं, आप भी मेरे को अपना फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते होंगे मेरा फ्रेंड जो कोड है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप इसको मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा वाला जो डायरेक्टली है अपने ऐड फ्रेंड में जाकर इसको सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको ये वाला टाइप करना होगा तब जाके आप मेरे से ऐड हो पाएंगे और डेली जो गिफ्ट्स है वो पा पाएंगे। तो ठीक है, ये तो हो गई फ्रेंड की बातें। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो नई वो हुई है जो स्पेशल वाला, उसके लिए अगर आपको मेरे का न्यू फ्रेंड वाला चाहिए तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप मेरे को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी जो कुछ मैंने दो ट्रिक्स बताई, और ऐसी अभी मैं पॉकीमॉन गो से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाता रहूँगा और डेली अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको पॉकीमॉन गो में और भी इंटरेस्ट बढ़ता जाए और आप उसको खेल सकें। तो अच्छा लगा होगा मेरे को कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो थैंक यू एंड आप थोड़ा गेम प्ले का मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको अगर जो अपना क्या कहते हैं, आपको अगर एग हैचिंग रेट अपनी बढ़ानी है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी वीडियो देख लीजिएगा स्पूफिंग वाली की कैसे करते हैं। और वहाँ जाकर वहाँ से ये करने के बाद आपको फेक GPS करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो ये है वॉकिंग वाले जो लास्ट में है आपको यहाँ पे कोई सा भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जो लास्ट का जो दे रखा है मतलब जो पहला आपको वही वाला क्लिक करना है। अगर आप ये वाला करोगे तो ये जल्दी भागेगा, जिसके कारण जो GPS है वो आपके वॉकिंग को ट्रैक नहीं कर पाएगा और आप चाहे जितना भी चले आपका अगर आप 2 मीटर चलेंगे तो आपका वो आधा मीटर ही दिखलाएगा। इसलिए आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप जो पहला वाला ही है आप वो वाला कर सकते हैं और अपना पॉकीमॉन गो एक तरफ चालू रखकर या तो आप नहाने जा सकते हैं या खाना खा सकते हैं। और जब तक आप वापस आएंगे आपका कम से कम जो एक किलोमीटर तो कम है, आपका कम से कम 2 या 3 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो थैंक यू एंड होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।